देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं राधिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। एसकेके न्यूज पर देखें बिहार से वैशाली जिला की खबरें। सिलीगुड़ी के फुलवारी नारायणपुर से एक मजदूर वैद्यनाथ पासवान गांव अफजलपुर पुरैना थाना पातेपुर जिला वैशाली अपने घर लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके अपने घर वापस लौटा, जो अमन गद्दा कंपनी में काम करते थे। जहां तक देखा जाए तो नीतीश सरकार बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि अन्य राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन लोगों को हर संभव सहायता किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उनका दावा सब खोखला है। मजदूरों का दूसरे राज्यों से पलायन जारी है। पातेपुर से अवनीश की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते जो मजदूर बाहर अन्य राज्य में जो फंसे हुए हैं, वर्तमान सरकारें ये नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो मजदूरों को हम हर संभव सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों का पलायन है। इस कड़ी में एक व्यक्ति जो कि बंगाल के सिलीगुड़ी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को लगभग 1000 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चला करके अपने घर को वापस हुए। जरा इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है जो कि ये अपने घर को जो है कि प्लान कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कुछ हमें बताएंगे जो वहाँ से सिलीगुड़ी से जो है आपने प्लान किया, क्या काम वहाँ बंद हो चुका है, क्या वहाँ के सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, कुछ इस पर खुलासा करेंगे? जैसे कंपनी वाला हम लोगों को निकाल दिया, कहा कि कोई रिक्शा नहीं लेते हैं, से वहाँ से हम लोग चल दिए। रूमों वाला बार बार पैसा मांगने के लिए अथी कर रहा था, तो हम लोग कोई वहाँ सुविधा नहीं था खाने पीने का, तो हम लोग निकल गए साइकिले से। रास्ते में कहीं प्रशासन रोक टोक किया कि नहीं किया? प्रशासन रोक टोक किया, जांच भी किया, बाकी बीमारी नहीं निकला, इसलिए हम वहाँ से चलते हुए। कंपनी वाला जो काम किए उसका तनख्वाह दिए या बिना तनख्वाह दिए ही वापस कर दिए? तनख्वाह दिया, तनख्वाह दे के तकरा बाद कहा कि हम रिक्शा नहीं लेते हैं, तुम लोग घर जा सकता है या कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ नीतीश सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रही है, लेकिन दावा सदर्ज धरातल पर देखा जाए तो ये फेलियर हो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मजदूर जो है कि पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि जो प्रदेश में फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम सुविधा देंगे, लेकिन यहाँ तक अभी तक तो कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जिस ढंग पुलिस देखता है रास्ता में तो छोड़ देता है, कोई गाड़ियों पर बैठाता नहीं, इतना परेशानी होकर हम आए हैं वहाँ से। किस ढंग से 10 रोज आए हो गया इनके द्वारा जो कष्ट में जो ये यहाँ पर आए, उनका गथा बयान कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? वैद्यनाथ पासवान हुआ। घर कहाँ हुआ? अफजलपुर पुरैना। ये किस जिला में पड़ रहा? वैशाली जिला में। और सिलीगुड़ी में कहाँ पे आप काम कर रहे थे? सिलीगुड़ी में कर रहे थे नारायणी स्कूल फुलवारी।